करने के लिए मैंने लिया है आधा लीटर फुल क्रीम दूध। इसको मैंने गर्म करके और अच्छे से ठंडा कर लिया है। ठंडाई पाउडर बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम चीनी, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम खरबूजे के बीज लिए हैं, 2 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच काली मिर्च, खसखस 2 चम्मच, 8-10 हरी इलायची, कटे हुए बादाम थोड़े से सर्व करने के लिए और गुलाब की पंखुड़ी। सबसे पहले हम चीनी को इसमें डाल लेते हैं, सौंफ को भी इसमें डाल लेते हैं और हरी इलायची भी। इनको हम डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। चीनी और सौंफ हमने पीस ली है, इसका हमने पाउडर बना लिया है। इसको हम अच्छे से छान लेते हैं। चीनी पाउडर, सौंफ और हरी इलायची हमने पीस के छान लिए। ये मोटा मोटा हम बादाम, काजू, खरबूजे के बीज, काली मिर्च और खसखस इनको भी जार में पीस लेंगे। बादाम, काजू और ये सारे इन्ग्रीडियंट्स हमारे पीस चुके हैं। इसका भी हमने पाउडर बना लिया है। इसको भी हम पहले वाले पाउडर में छान लेंगे। ये हमारा ठंडाई पाउडर रेडी है। ठंडाई का पाउडर हमारा रेडी है। इसको हम एयर टाइट डिब्बे में 2 महीने के लिए सेफ रख सकते हैं और जब भी हमारा मन हो ठंडाई बना के पी सकते हैं। तो अब हम ठंडाई बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा लीटर दूध में हम 5 चम्मच ठंडाई पाउडर मिलाएंगे। इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट हमारे हो गए हैं, ठंडाई हमारी रेडी है। अब हम इसको ग्लास में सर्व करने के लिए डाल देते हैं। ठंडाई हमारी रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।